अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो फर्स्टली हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स
सेमीकंडक्टर्स का अगर हम देखें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर तो क्या होगा, इट्स वैलेंस बैंड इसमें क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे और कंडक्शन बैंड टोटली क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। सो व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसमें क्या कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या है, सप्लाई होगी। तो सम ऑफ द वैलेंस बैंड आर लिफ्टेड टू, सो कुछ जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड फिनोमिना, सो ये जैसे ही हम इस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड फिनोमिना एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फिनोमिना एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स becomes zero at room temperature, becomes zero at room temperature, तो इसमें हम क्या शो करेंगे, that the valence bands are completely filled। इसमें क्या होगा, valence band में क्या होंगे, electrons completely filled होंगे, its valence band is completely filled and the conduction band is completely empty, its valence band is completely filled and the conduction band is completely empty and the conduction band is completely empty conduction band is completely empty कंडक्शन बैंड टोटली क्या होगा, एम्प्टी होगा। सो जैसे-जैसे इसका टेंपरेचर बढ़ेगा, जैसे-जैसे इसका टेंपरेचर बढ़ेगा, वैसे ही वो क्या है, इसको हीट सप्लाई होगी। सो व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड, हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम, देन सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लिफ्टेड टू द कंडक्शन बैंड लीविंग बिहाइंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। सो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो शिफ्ट होंगे वैलेंस से कंडक्शन बैंड। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, दैट व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड, व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इट so sum of the valence electron कुछ जो इसके valence electrons है वो move करेंगे to conduction band are lifted to conduction band तो इसके जो कुछ valence electrons है वो मूव करेंगे फर्दर कंडक्शन बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड से फर्दर कंडक्शन बैंड में। सो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन रीचेज एट कंडक्शन बैंड मूव्स रैंडमली, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है वो रैंडमली मूव करेगा और जो होल्स वैलेंस बैंड पे है वो फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एट इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एट कंडक्शन बैंड मूव रैंडमली कंडक्शन बैंड मूव रैंडमली एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में वो
crystal and the holes created in the crystal free to move. और ये भी क्या है, freely क्या करेंगे, move करेंगे. So ये क्या कर रहा है, this shows the this behavior shows that there is a negative temperature coefficient of resistance. So ये semiconductors क्या show कर रहे हैं, ये behavior show कर रहा है there is a negative temperature coefficient of resistance. So this behavior of semiconductors shows that there are negative temperature coefficient, negative temperature coefficient of resistance. तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करें, इसमें कोई भी इंप्यूरिटी ऐड ना हो, वो हमारे होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. उसके बाद फर्दर हमने डिस्कस किया कि इसकी क्या है सेमी द कंडक्टिविटी इसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, जीरो होगी. तो अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने डिस्कस किया दैट इट्स वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी. तो इसके वैलेंस बैंड क्या है, कम्प्लीटली क्या है, फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी है. सो जैसे जैसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज हीट एनर्जी इज अप्लाइड टू द सिस्टम देन सो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लिफ्टेड टू द कंडक्शन बैंड. तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो ये बिहेवियर जो शो कर रहा है वो क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो कर रहा है. तो इसका डायग्राम हम डिस्कस करेंगे. ये जो हमने बोला है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये रैंडमली इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहे हैं. सो कंडक्शन बैंड पे अब हम क्या बनाएंगे, ये हमारा है लोअर बैंड, लोअर एनर्जी बैंड, दिस वन इज वैलेंस बैंड, और ये हमारा है कंडक्शन बैंड. तो ये कंडक्शन बैंड पे हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर रही है,
इंक्रीज होगी. तो ये था हमारा दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में. इंट्रिंसिक में तो हमने डिस्कस किया ये क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करें उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें क्या है, इंप्योरिटीज ऐड हो. जिस सब्सटेंस में सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटीज ऐड हो वो हमारे सेमीकंडक्टर्स होंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सेमीकंडक्टर्स इन विच इंप्योरिटीज आर एडेड टू मेक इट कंडक्टिव. वो ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिसमें क्या है, इंप्योरिटीज ऐड करें और वो क्या है, क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिसको हम डोपिंग भी बोलते हैं. डोपिंग और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एक ही बात है. सो द प्रोसेस बाय विच एन इंप्योरिटी इज एडेड टू एन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस बाय विच an impurity is added to a semiconductor, an impurity is added to a semiconductor to make it conductive are called extrinsic semiconductors. To make it conductive are called extrinsic semiconductors. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, इंप्योरिटीज ऐड की जाए. प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ अगर हम सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये एग्जांपल्स हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के. अगर प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ इंप्योरिटीज ऐड की जाए तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो द प्रोसेस बाय विच एन इंप्योरिटी इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर टू मेक इट कंडक्टिव इज कॉल्ड इट्स इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इंप्योरिटी which is to be added to the material have to be controlled during the preparation of extrinsic semiconductors. So, जो amount में या type की semi impurities हम add कर रहे हैं जिस material में, वो क्या है, during उसको control किया जा रहा है during the preparation of extrinsic semiconductors. So, one impurity atom is added to 10^8 atoms of a semiconductor. So one impurity atom is added to 10^8 atoms of a semiconductors. So, एक इंप्यूरिटी एटम्स को ऐड करने में इज एडेड टू 10^8 एटम्स क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर्स के ऐड होते हैं. इज एडेड टू 10^8 एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सो नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है, इंप्यूरिटीज जो हम ऐड होती हैं सेमीकंडक्टर्स में, इसका पर्पस क्या है, इंप्यूरिटीज क्यों ऐड होती हैं, ताकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स इसमें क्या है, इंक्रीज हो जाए टू मेक इट ए कंडक्टिव. सो द पर्पस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट कंडक्टिव. सो
So the purpose of exist. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया?
सेमीकंडक्टर में कोई भी इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे तो वो हमारी बन जाएगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इसमें एक इंप्योरिटी एटम कैसे बनती है, जब हम 10^8 एटम सेमीकंडक्टर के ऐड करते हैं तो 1 इंप्योरिटी एटम क्रिएट होते हैं। सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया इसका पर्पस क्या है, जो ये हम इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं इसका इसकी वजह क्या है, इसका क्या पर्पस है, ताकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है ज्यादा एग्जिस्ट कर सके। अब अगर इसमें हमने बात की पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में क्या होंगे, पेंटा मींस 5, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर्स में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस क्या करेंगे सेमीकंडक्टर्स में होल्स एग्जिस्ट करेंगे। पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे और ट्राईवेलेंट में नंबर ऑफ होल्स एग्जिस्ट करेंगे। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।